गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अब तक हमारे आपके साथ दो वीडियो जा चुके हैं। अगर आपने दो वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो कृपया करके पहले में दो वीडियो देखिए। लेकिन जो आज मैं आपको समझाऊंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक आज मैंने आपके लिए उठाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं समझता हूँ। क्यों? पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। पूरी दुनिया में जितने भी 189 देश जो बसते हैं, है ना, जो विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संस्था मुझे लगती है, तो जिसे मैं आपके लिए उठाकर लेकर आया हूँ, 1944 में बनाई गई जो संस्था, जिसका प्रस्ताव 1944 में आया और 1944 में 1945 में वो संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम आज आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा कि उसका संस्था का नाम क्या होगा। जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो आपकी आँखें भी खोल सकता है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही गहन तरीके से वर्ल्ड बैंक पर आपके साथ चर्चा करूँगा कि वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का क्या क्या कार्य होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, आज इस टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाह रहे हैं हम। चलिए, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉपी में हेडिंग बनाइए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक भी कह सकते हैं। क्यों? और एक ट्रेंड जो पेपर में चल रहा है, संबंधित जितने भी पर्सन आएंगे सब बताए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया था आपको, जब भी मैं कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए उसकी स्थापना कब हुई, दूसरा ये पता होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, समझे, ये पता होना चाहिए, तीसरे नंबर पर उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, समझे, इसके क्या क्या कार्य हैं, ये कुछ इसके फैक्ट्स और मुख्य बातें पता होनी चाहिए। उससे संबंधित जितनी बातें होंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितनी बातें होंगी, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जितना भी मेरा नॉलेज होगा तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, समय था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी का, भारत हो या पूरी दुनिया पहले ही प्रथम विश्व युद्ध की मार झेल चुकी थी, लेकिन जिसके कारण आपने देखा उसकी जो छाप कहीं ना कहीं आपको 1929 की आर्थिक महामंदी में दिखाई देती है। 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी, इतना भयंकर और व्यापक रूप लेकर आई थी। कहा जाता है कि अगर उसे वर्तमान समय में आज के हिसाब से देखा जाए, तो इतनी महंगाई, आपने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 1929 की आर्थिक महामंदी के परिणामों की चर्चा कीजिए, इस तरह का प्रश्न पत्र आपको दिखाई देता है। यानी 1929 की आर्थिक महामंदी का नाम तो सुना ही होगा, वो महामंदी क्यों आई थी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण आई थी। इसी कारण पूरी दुनिया दो अलग अलग खेमों में बटी हुई थी और आपस में युद्ध कर रही थी। तो उन युद्ध को शांत करने के लिए धीरे धीरे दुनिया चाहती थी कोई विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए अलग अलग संगठन भी बनाए गए। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि 1939 से लेकर 1945 तक एक द्वितीय विश्व युद्ध होगा, तो पूरा देश था यूएसएसआर और अमेरिका, यूएसएसआर और दो अलग अलग, एक तो मित्रव्यापी, एक मित्र बिना मित्रव्यापी, जो पूरा देश, पूरी दुनिया थी, अलग अलग खेमे में बट जाएगी और द्वितीय विश्व युद्ध होगा 1939 से 1945 तक चलने वाला है। उसके बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। आपको बताऊं, ये डॉलर जो आप समझते हैं, डॉलर और रुपया, ये क्या होता है, डॉलर और रुपया कैसे डॉलर कम होता जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में समझाऊंगा। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है, वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आज इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। इस वीडियो को समझने के पश्चात मैं आपसे वादा करता हूँ, उसके बाद आपको कभी भी करंट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट इज नथिंग, करंट इज ऑलवेज आउटकम ऑफ पास्ट, समझे, करंट कभी भी सब कुछ नहीं होता, लेकिन करंट हमेशा चीज़ों का पास्ट होता है। जब तक आप कभी भी किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे, तब तक आप करंट पढ़ना फिजूल है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे बारी बारी से वीडियो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, मैं 50 से 60 वीडियो डालूंगा, 50 से 60 वीडियो देखने के पश्चात आप दुनिया की कोई सी भी खबर पढ़ेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो हमेशा के लिए आपके समझ में आएगी। चलिए, तो बच्चों बात करना चाह रहे हैं आज आपके साथ जिस टॉपिक पर, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर जिस तीसरे टॉपिक पर, दो टॉपिक पर हमने आपके साथ बात की, यूएनओ के बारे में बात की आपके साथ, दूसरे नंबर पर डब्ल्यूएचओ के बारे में बात की, उसके बाद आज हम तीसरे टॉपिक की ओर ले चलते हैं आपको, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया, सबसे पहला कार्य ये, वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया। चलिए, तो जानते हैं वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया। तो पूरी दुनिया में एक ही लाइन में बताऊँगा क्यों बनाया गया, एक लाइन में समझ लेना, पॉवर्टी को लेस करने के लिए। दैट मीन्स पॉवर्टी लेस मतलब पूरी दुनिया में गरीबी को खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था बनाई गई। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था क्यों बनाई गई, कब बनाई गई,
कारण आपको पता लग गया हो, 1944 में प्रस्ताव लेके आए थे, 1945 में संस्था का निर्माण हुआ, 1946 में कार्य ये कार्यशील हुई। कार्यशील का मतलब इसका क्रियान्वयन किया गया, इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका क्रियान्वयन किया गया 1946 द्वारा, समझे। तो बात करेंगे आपके साथ, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बताऊंगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। मैं आपको रिपोर्ट भी खोलकर दिखाऊंगा कि किस तरह की रिपोर्ट होती है मोबाइल फोन में, वहीं आपके पास आकर मोबाइल फोन में आपको रिपोर्ट भी खोलकर दिखाऊंगा किस तरह आप अपने मोबाइल फोन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर उससे अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, आप मेरे साथ जब पढ़ना सीखेंगे तो आप मोबाइल में सर्च करने का स्टेटस ही बदल जाएगा। आज ये बात आपका जो मैं समझाऊंगा आपको। तो बच्चों किस पर बात करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक आपको एक ही बात याद रखनी है, इसका सिद्धांत क्या होता है। तो आप सबसे पहले कॉपी में हेडिंग बनाइए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड बैंक, BANK बैंक। आपको बताऊं बच्चों इस तरह लिख देगा वर्ल्ड बैंक, इस तरह लिख देगा पेपर में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को भारत के अंदर मान्यता प्राप्त है ना, ये भी अनुसूची 8 के अंतर्गत ही आती है, अनुसूची 8 के अंतर्गत ही आती है, इसलिए इस तरह लिखा जा सकता है। लेकिन इसे हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं, विश्व बैंक। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए सब बच्चे, विश्व बैंक है ना। अभी मेन उद्देश्य पता लगा, तो मेन उद्देश्य को आप सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्यों? पूरी दुनिया की गरीबी खत्म करने के लिए, जो विकसित नहीं विकासशील देशों की गरीबी खत्म करने के लिए, विकासशील देश जो छोटे 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 देश होते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए, उन्हें मुआवजा देने के लिए, उन्हें फंड देने के लिए, जिस बैंक की स्थापना, बैंक का काम क्या होता है, बैंक का अल्टीमेट गोल होता है आपके पैसे को सेव करना, जी नहीं लोन बांटना, गरीब देशों को लोन बांटना। ये विश्व बैंक है, ये देशों को लोन बांटता है। आप अपने 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 आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे उसके एक छोटे से आपके लैंड लो आपके एरिया में, आपके एरिया में जिस लैंड पर आप रहते हैं उसी एरिया में एक बैंक दिखा देगा आपको। उस बैंक का एक ही काम है क्या, जनता को लोन बांटना। जो MSME वर्ग है हमारे यहाँ का, मध्यम वर्ग है, उसे लोन बांटना और देश के विकास में अपनी भागीदारिता को बढ़ाना, प्रत्येक बैंक का एक ही अल्टीमेट गोल है। आप इसे अलग वे में मत समझिए, जब मैं आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर समझाऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि बैंक किस तरह काम करते हैं। लेकिन समय पर अभी मेरा केवल केवल जो फोकस होगा वो किसकी ओर होगा, विश्व बैंक की ओर होगा। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ विश्व बैंक से संबंधित जितनी बातें होंगी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का काम पूरी दुनिया को आर्थिक मदद पहुँचाना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी 194-195 देश है, 189 मेंबर थे किसके, 193 मेंबर थे UNO के है ना, उसके अंदर जितने भी उसके अंतर्गत जितने भी देश आएंगे, लगभग उनके अंतर्गत जितने भी देश आएंगे उनके अंदर जो विकासशील देश होंगे, विकासशील देशों को सहायता पहुंचाना या फंड देना या लोन देता है एक प्रकार से, कौन, वर्ल्ड बैंक, वो भी दीर्घकालिक समय के लिए, यानी बहुत अधिक समय के लिए। आपको दोस्त जानकर हैरानी होगी, अभी मैं जब 2020 और 21 का बजट पढ़ रहा था तो 2020 और 21 के बजट के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक और IMF से भारत सरकार ने इतना पैसा लिया हुआ है, हर साल उसका 8,000 करोड़ रुपए ब्याज जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं आपको 2020 और 21 के बजट का आंकड़ा दे रहा हूँ, 8 लाख करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष आप ब्याज देते हैं, है ना। अब आपको समझ में, पूरा जो हमारा बजट होता है ना, पूरा बजट होता था 28 लाख करोड़ रुपए का, 28 लाख करोड़ रुपए में से 8 लाख करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष ब्याज की दी जाती है और ये लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, मार्च की खबर थी अखबार के फ्रंट पेज पर छपी कि वर्ल्ड बैंक ने 76 बिलियन अनुदान दिया। अच्छा ये अनुदान किसे कहते हैं, अनुदान का मतलब दान कर देना, उसका कोई ब्याज नहीं लेने वाला, जो ये हमारा वर्ल्ड बैंक होगा ये कोई ब्याज नहीं लेने वाला, उसका अनुदान किया, अभी न्यूज़पेपर पर खबर छपी थी। जब आपको ये नहीं पता खबर छपी कि वर्ल्ड बैंक ने अनुदान दिया, कि वर्ल्ड बैंक का अल्टीमेट गोल क्या होगा, जब आपको यही नहीं पता तो खबर का क्या महत्व रहेगा, ऐसे करंट का क्या फ़ायदा। तो जब भी तो बोलते हैं सर करंट इज नथिंग है नहीं, करंट इज नथिंग, करंट कुछ नहीं है, करंट इज ऑलवेज आउटकम ऑफ पास्ट है ना, इसलिए कहते हैं करंट हमेशा पास्ट होता, पर उसकी पृष्ठभूमि में ज़्यादा पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए किसकी, हाँ तो वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की बात करें और क्या जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, देखो क्या हुआ क्या था, इसलिए वर्ल्ड बैंक आया क्यों, वर्ल्ड बैंक तो बनाया नहीं गया था, वर्ल्ड बैंक आया क्यों, वर्ल्ड बैंक ने दो संस्थाएं बनाई गई थी, एक तो वर्ल्ड बैंक एक IMF। अच्छा वर्ल्ड सर IMF किसे कहते हैं, एक मिनट रुको अभी बताता हूँ IMF किसे कहते हैं। तो दोस्त IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड। सर ये क्या होता है, आपको बताता हूँ, ये भी एक प्रकार का लोन देता है लेकिन कम समय के लिए,
ये भी एक प्रकार का लोन देता है लेकिन कम समय के लिए। इसने पूरी दुनिया को अस्थिर बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमें जान पूछ कर बेवकूफ़ बनाया गया है, किस तरह हमारी करेंसी को सॉफ्ट करेंसी में, करेंसी मतलब जो हमारी मुद्रा होती है जो रुपया जिसे कहते हैं, किस तरह उसे सॉफ्ट करेंसी में, और किस तरह उसे जो अमेरिका की डॉलर करेंसी है और किसे हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया है। क्यों इन्होंने सब जान पूछ कर किया गया है। अगर हम कुछ भी करना चाहें तो हम चाहकर भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते, समझिए। अमेरिका की जो आपको बताऊं दोस्त, जानकर हैरानी होगी, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पर जो भारत की चाइना की इकोनॉमी दिखाई देगी, दूसरे नंबर पर दिखाई देगी, समझे। जो अमेरिका का जीडीपी है ना, अमेरिका का जीडीपी 18.4 ट्रिलियन डॉलर है, और जो चाइना का जीडीपी होगा वो 12.4 ट्रिलियन डॉलर। भारत का 2.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारत लगभग लगभग 8वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान भी हमसे आगे, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। अभी आपको बताऊँ वहाँ खड़े। अच्छा सनी क्यों बता रहे हैं, आप तो वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे थे। अगर वर्ल्ड बैंक आप मेरे साथ समझना है, वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए आपको उसके आसपास के इतने डायमेंशन समझने होंगे जहाँ तक मेरा माइंड कार्य करेगा, समझे। जो चीज़ वर्ल्ड बैंक से संबंधित होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश करेंगे, काफ़ी में नोट करते चले जाएंगे। अच्छा पर्सन कैसे पूछा जाते, पर्सन बाद में पता लगेगा, पहले आप डिटेल से मेरे साथ पढ़िए उसके बाद बताऊँगा। क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, लगभग कंटिन्यू रहेगी। मैं संडे और सैटरडे को कभी नहीं पढ़ाता हूँ, समझे। 1944, चलिए। हाँ तो बच्चों क्या हुआ, आपको पता होगा जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते होंगे, 10th क्लास की NCERT की SST की तीसरी बुक खोलना। तीसरी बुक के अंतर्गत आपको दिखाई देगा, एक पर्सन भी दिखाई देगा, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ये ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस एक सम्मेलन हुआ, एक आयोजित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1944 में। द्वितीय युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था पूरी तरह। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों करें, क्यों ना हम एक काम करते हैं। 1944 में उन्होंने एक ऐसा संघर्ष, सभी देश जो जितने विकसित और विकासशील देश, विकसित देश थे, विकसित देश जैसे रशिया हुआ चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन्होंने सबने क्या किया कि हम छोड़ो लड़ाई करना बंद करो, एक काम करते हैं, सब आपस में समझौता कर लेते हैं। तो उस समझौते के अंतर्गत 44 देश थे, उसके अंदर 44 देशों के आपस में मिलकर समझौता किया और उन्होंने दो संस्थाओं का निर्माण किया। दो संस्थाओं में एक जो संस्था थी उसका नाम था वर्ल्ड बैंक, जो दूसरे ऐसे तो 5 संगठन बने थे लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ वो एक तो वर्ल्ड बैंक, एक दूसरा होगा हमारा IMF। वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया, वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया की गरीबी खत्म करने के लिए बनाया गया, बताऊंगा। चलिए तो अच्छी बात है लेकिन इसका आरोप भी लगते रहे, वर्ल्ड बैंक पर समय समय पर आरोप लगते रहे, वो आपको बताऊंगा। पहले समझो वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, काम क्या है, सब क्यों बनाया गया। तो 1944 में दोस्त क्या हुआ था, 1944 में देखो 1929 की आर्थिक महामंदी देखी थी, 1929 की आर्थिक महामंदी इतनी खतरनाक थी। मंदी क्या होती है सर, अच्छा मंदी बताएंगे एक मिनट रुको। 1929 की जो आर्थिक महामंदी आई थी ना प्रथम विश्व युद्ध के कारण, उसने पूरी दुनिया को चरमरा दिया था, हर चीज़ महंगी 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 महंगी। अरे सर महंगी कैसे होती है, आइए बताता हूँ चीज़ें महंगी कैसे होती है। देखो बच्चों पहले ब्रिटेन वुड्स समझौता बताते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौता पहले ये हमारा। अगर आपको सबसे पहला, अगर पूरी इकोनॉमिक्स एक ही शब्द पर घूमती है, एक ही शब्द के आसपास घूमती है, पता है किसके, वो होगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। अगर किसी भी क्षेत्र में उत्पादन नहीं होगा, या जैसा आप गांव में रहते हो, तो गांव में अनाज पैदा नहीं हुआ है ना, अनाज पैदा नहीं हुआ तो फिर वो जो द्वितीय का क्षेत्र होगा ना हमारे यहाँ से, जो कंपनियाँ होगी वो अनाज वहाँ तक नहीं पहुँचने का। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचने का ना, तो क्या होगा, वे जो कंपनियाँ होगी बंद हो जाएगी परमानेंटली। जो बिस्किट बना रही थी है ना, पार्ले जी का बिस्किट बना रही थी, वो कंपनी परमानेंटली बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो वहाँ के जो अंदर वर्कर काम कर रहे होंगे तो वे बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरह बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो देश का लेवल हमेशा घटता दिखाई देगा आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दिखाई देगी, और लोगों की आय भी कम दिखाई देगी। जब आय नहीं होगी तो बचत नहीं करने, और जब बचत नहीं करने के ना इंसान, तो निवेश नहीं करने का इन्वेस्टमेंट। और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है ना हमारी, तो याद रखना इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए वर्तमान सरकार ना, आज वर्तमान समय ये सरकार ना समय समय पर अलग अलग कदम उठाए इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही 100% FDI दे दिया गया, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे देगा अलग अलग क्षेत्रों में। क्यों दिया गया, कारण यही था कि निवेश बढ़ाया जा सके और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकला जा सके, है ना। लेकिन ये सरकार ना, जो वर्तमान सरकार में जरूरत होगी एक अर्थशास्त्री की, है ना, जो नहीं है इनके पास। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, जब आप मेरे साथ समझोगे ना इकोनॉमिक्स, तो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दोगे। सर आप क्या समझा रहे हैं सर, तो वर्ल्ड बैंक के पीछे जो राज छिपा हुआ उसे समझो पहले, वर्ल्ड बैंक के पीछे जो राज छिपा हुआ उसे समझो पहले, है ना। हाँ तो प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन देखो जहाँ से रुकेंगे ना वहीं आगे चल जाएंगे। अगर प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा तो फिर आय होगी, आय
आय मतलब इनकम प्राप्त होगी आपको, जब उत्पादन ही नहीं है तो इनकम कहीं से प्राप्त होगी, कैसा आय प्राप्त करोगे आप, नहीं कर सकते ना। जब आय नहीं प्राप्त कर सकते तो याद रखना, जब आय नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर आप बचत नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते, सेविंग नहीं कर सकते आप, है ना। यानी जब सेविंग नहीं कर सकते, सेविंग कहाँ करते हैं आप, बैंक बजाकर, पूरा बैंकिंग सेक्टर चरमराता दिखाई देगा आपको, है ना। तो जब बैंकिंग सेक्टर चरमराता दिखाई देगा उसके बाद आप बचत करते हैं, तो बचत कर जैसे आपने बचत की तो क्या कर देते हैं आप, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसा, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है उत्पादन। क्योंकि अगर आप खेत में गेहूं बोने ना, तो गेहूं बोने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कंपनी भी लगानी, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो जहां तक चलते हैं वहीं आकर रुक जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, है ना। और इन्वेस्टमेंट वर्तमान सरकार इस चीज पर ध्यान दे रही है ना, इन्वेस्टमेंट पर, है ना। पहले नहीं ध्यान दिया गया था। क्यों ध्यान दिया गया था, तो उस समय हमारी जरूरत भी कुछ और थी, अलग अलग क्षेत्र पर। चलिए ये तो मैंने बताया आपको, एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को ध्यान दिया है। अपने चलते हैं टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हमारा है थे, वो कौन सा टॉपिक था, आइए जानते हैं कौन सा टॉपिक था। वो था वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक। तो क्या हुआ, इस बात को जो मैंने डायग्राम समझाया, मैंने फिजूल नहीं समझाया डायग्राम, समझो पहले। इस बात को समझते हुए एक महान वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कह सकते हैं महान अर्थशास्त्री, उनका नाम है कीन्स। इकोनॉमिक्स में अगर कीन्स को नहीं पढ़ा ना तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। ब्रिटेन के रहने वाले, जो ब्रिटेन के यूके के रहने वाले एक तो यूके के रहने वाले कीन्स, क्या नाम है कीन्स, पूरा नाम बताऊँ, पूरा नाम इनका था जॉन मेयोड कीन्स, पूरा नाम था जॉन मेयोड कीन्स, इनका नाम कभी नहीं भूला जा सकता, जॉन मेयोड कीन्स। अच्छा, और एक थे एक अमेरिकन अर्थशास्त्री हैरी नाम था इनका, हैरी के नाम से जानता हूँ। हैरी और किन्स, ये दो बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एक सम्मेलन बनाया। उस सम्मेलन को हम ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जानते हैं, ताकि आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए कोई खतरा उत्पन्न ना हो। देखो आपको खतरा उत्पन्न ना हो, देखो क्या हो, यहाँ होगा क्या होता, अगर किसान के पास फसल अच्छी हुई तो किसान मारा गया, फसल अच्छी नहीं हुई तो तब भी किसान मारा गया। अच्छा, फसल अच्छी हुई तो किसान कैसे मारा गया, फसल अच्छी नहीं हुई ये तो समझ में आता, फसल अच्छी हुई तो किसान कैसे मारा गया, फसल अच्छी हुई किसान इसलिए मारा गया, उसका सरप्लस ना जब वो तो जो दाम होता ना दाम वो जो दाम होता सब्जियों का हो, अनाज का हो, टमाटर का हो, देखो आप देखा हो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब टमाटर बहुत सस्ता हुआ था, हेल्प एक समय आया टमाटर बहुत महंगा हुआ, आलू बहुत महंगा हुआ, कोई भी सब्जी हो, कोई भी कुछ भी जो प्रोडक्शन हुआ, अगर वो सरप्लस हुआ, उसका सरप्लस का मतलब अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ, तो क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके दाम घट जाएंगे, और जैसे दाम घट जाएंगे ना उसके, तो क्या होगा, किसान को नुकसान होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हुआ था, कि समझे, प्रोडक्शन अधिक मात्रा में। इस बात को समझते हुए कि जो वस्तुएं होती है ना, सेवा गुड्स का मतलब वो वस्तुएं, जो वस्तुएं होती है उनका उत्पादन कितना हो रहा है, इस बात को समझते हुए कीन्स और हैरी ने उन्होंने कहा कि जितना उत्पादन होगा, देखो उत्पादन होगा और इधर होगी मांग, उत्पादन और मांग दोनों को बराबर डायग्राम बनाओ, एक हो उत्पादन एक हो मांग, डिमांड जैसे कहते हैं, ये प्रोडक्शन होगा, ये हमारी डिमांड होगी। डिमांड क्या होती है, एक तो प्रोडक्शन होगा एक डिमांड होगी, तो प्रोडक्शन और डिमांड के बीच जो गैप होगा, प्रोडक्शन और डिमांड ऐसा आसान भाषा में समझना, ये रहा मार्ग, है ना मार्ग। एक बात बताओ, अगर एक ये मार्ग क्या हुआ, कंपनी में मार्कर बनाया गया, जैसे कंपनी में मार्कर बनाया गया ना, ये मार्कर बाहर निकलता, जैसे जैसे मार्ग ये यहाँ पहुँचता ना, मेरे पास तक ये मार्कर पहुँचता, जैसे मार्कर पहुँचता, देखा ये दो कंपनी हो रहा है बराबर में, इधर ही चार कंपनी आई, आठ कंपनी आई, मार्कर बनाने स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा, इस मार्कर की हालत ख़राब है ना। ये एक मार्कर कभी जब 30 रुपये का मिलता था मार्कर, धीरे धीरे घटकर इसका दाम घटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रोडक्शन क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हुआ, तो जब प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हुआ तो जो इसका डिमांड थी ना, डिमांड उसकी डिमांड में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उत्पादन और डिमांड के बीच का, डिमांड मतलब मांग के बीच का गैप ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब किसी देश के अंदर उत्पादन और मांग के बीच का गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने मार्कर को लेकर एग्जाम्पल समझाया, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी वस्तु हो, जब मार्केट में उसकी मांग नहीं है, मार्केट में नहीं है, अब उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, तो गैप आएगा दोनों के बीच में क्या गैप नहीं आया, दोनों के बीच में मांग और उत्पादन के बीच में, प्रोडक्शन एंड डिमांड के बीच में जितना भी गैप होता, इस गैप को हमेशा बैलेंस करके रखना होगा। यही बात बताई थी, पता किसने बताई थी, यही बात बताई थी पूरी दुनिया को आर्थिक महामंदी से निकालने के लिए कीन्स, मेयोड कीन्स ने, और किसने बताई थी, हैरी ने, है ना, अमेरिका के महान अर्थशास्त्रियों के लिए जाते हैं, आज भी नेट पर सर्च करोगे तो इनका नाम मिल जाएगा, समझ, यही बात बताई थी। यू कहते हैं उत्पादन और डिमांड अगर लगभग इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर बैलेंस नहीं होगा ना उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा उठेगी,
है ना। अब यही तो होता है हमारे यहाँ, यही तो होता है। देखो आपको बताऊँ है ना, यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है यहाँ इस तरह होता है। जैसे महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा, जैसे महाराष्ट्र में के अंदर केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा, जो केला होगा ना केला, तो हम अंतर्राज्यीय स्तर पर तो बेच रहे, घरेलू डिमांड तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद घरेलू डिमांड के बाद भी हम हमारे यहाँ केला अधिक मात्रा में बच गया, तो क्या करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भेजते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में ना उसका कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के साथ होगा, और जब कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के साथ होगा तो हमारे यहाँ एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी एक संस्था बनाई गई, उसका नाम है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कर सकता, वो ये कर सकता किसी वस्तु का दाम कितना रहेगा, अधिक रहेगा या कम रहेगा, अधिक रहेगा या कम रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में वो वस्तु बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसका निर्यात होता है निर्यात, जिसे निर्यात का मतलब भेजना, जिसे कहते हैं इम्पोर्ट, क्या कहते हैं इसे, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब वो आयात करना, इम्पोर्ट करते हैं, क्या करते हैं सर, इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह के संगठन बनाए गए जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वस्तुओं की जो मांग होगी, है नहीं, मांग होगी और उसका दाम क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे जानने के लिए इस तरह के संगठन बनाए गए। अच्छा, अभी मैंने आपको किन्स का नाम क्यों बताया, किन्स और हैरी का नाम इसलिए बताया कि उत्पादन और मांग पूरी दुनिया की एक ही पॉलिसी, उत्पादन और मांग ना, इन दोनों आपस में, दोनों का आपस में बैलेंस बनाकर रखना, जितने हमें पैनिक, जितने हमें मार्कर की जरूरत है ना, इतना ही मार्कर बनाओ, इधर इतना ही मार्कर बनाओ, इतना ही मार्कर बनाओ जितनी जरूरत है, यानी जितना इतना उत्पादन करो जितनी मांग है ना। अगर आपने उत्पादन ज़्यादा कर दिया ना और मांग कम, तो याद रखना उस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। 1929 में यही हुआ था, है ना, 1929 में ही हुआ था, उस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पहुंच जाएगी, पूरी इकोनॉमी चरमरा उठेगी, GDP का जो ग्रोथ हो नीचे चला जाएगा धीरे धीरे, सब समझाऊंगा धीरे धीरे, इकोनॉमी एकदम नहीं बसती, तो एक महीना लगा पूरा समझने में, जब बसेगी आपके खून में इकोनॉमी, क्योंकि सर समझाएंगे ना। बात समझ में इतना सुनने के पश्चात अब आओ वर्ल्ड बैंक पर। अच्छा चलिए, देखा, और चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं। अच्छा क्या हुआ, तो ब्रिटेन वुडस समझौता हुआ, ब्रिटेन वुडस समझौता अभी बताया मैंने, ब्रिटेन है, ब्रिटेन वुडस समझौता हुआ, 44 देशों ने हस्ताक्षर किए, 44 बड़े देश थे, हमने बताया इन्होंने हमें जानबूझकर बेवकूफ़ बनाया, है ना। जो 1991 से पहले पहले क्या होता था पता, क्या होता था 1991 से पहले पहले, भारत सरकार इतनी कमज़ोर थी कि उसने अधिक मात्रा में लोन लिया हुआ था, इस IMF से, IMF के पास हमने सारा सोना गिरवी रख दिया था, जो भारत के भारत का एक केंद्रीय बैंक ना, फेड, वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसने सारा का सोना, सारा सोना गिरवी रख दिया था पूरा का पूरा। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी इतना कम था, है नहीं, फॉरेक्स एक्सचेंज इतना कम था, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे बोलते हैं इतना कम था कि वो बस लगभग एक दो महीने के बराबर था। अगर ऐसा होता ना तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ इतनी महंगाई आती, इतनी बताऊंगा सब समझाऊंगा धीरे धीरे, इतनी महंगाई आती तो कहाँ तो इस तरह जाता, एक देश तक ही, चलो एक देश का नाम बताऊँ आपको, एक देश का नाम है वेनेजुएला, है ना, 2013 की बात बता रहा हूँ, वेनेजुएला का नाम सुना होगा आपने, वेनेजुएला, एक जिम्बाब्वे, हाँ, वेनेजुएला के अंदर इतनी महंगाई है ना, इतनी महंगाई है आप जानकर हैरान हो जाओगे। वहाँ की जो केंद्रीय बैंक होगा ना, जिस तरह हमारे यहाँ से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेनेजुएला के अंदर जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, वहाँ का एक आदमी 2 लाख रुपए का नोट छापता, 2 लाख रुपए का नोट लेकर मार्केट में सब्जी लेने के जाता, इतनी महंगाई है। आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ का 1 रुपया है ना, यहाँ का 1 रुपया वहाँ के वेनेजुएला के यहाँ का 1 रुपया, भारत का 1 रुपया और वेनेजुएला के लगभग 35,000 रुपये के बराबर, इतनी महंगाई है वहाँ से। अच्छा ये सर होता कैसा, समझेंगे समय पर, समझ, यही तो इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स की इतनी बातें कर रहा हूँ आपके साथ, मैं पागल थोड़ा ही हूँ, है ना, सीधा बता सकता था, सीधा बता सकता था आपको, आओ लिखो स्थापना दिवस ये वो ये, क्या फ़ायदा टॉपिक का जब तक समझ ना हो। अभी आपको दिखाऊंगा क्या हालत चल रही देश की, है देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, अब कितना इंप्रूव आया, पहले कितना इंप्रूव था, पहले अच्छा होता था, अब अच्छा और क्या हो रहा, अभी दिखाऊंगा आपको, है ना, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप तो क्लास ले सकता था लेकिन इतना समझ में ना आता, है ना, लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ आजकल, लेकिन उससे इतना समझ में आता जितना बोर्ड पर समझ में आता है ना। और चलते हैं, चलिए आइए और चलते हैं। तो ब्रिटेन वुड समझौते के तहत 5 संगठनों का निर्माण किया, क्या सर 5 के 5 संगठन बताएंगे आप, जी नहीं, केवल 2 संगठनों का नाम बताऊंगा आपको, एक तो IMF और दूसरे वाला वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड, एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, दोनों का एक सा ही काम, ये भी लोन देता, ये भी लोन देता, दुनिया दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लोन देता अलग अलग देशों के लिए,
जैसे भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट बनाना, बांध बनाना कोई, जैसे हीराकुंड बांध था, हीराकुंड बांध जब बनाया गया था ना, रेलवे का निर्माण किया गया भारत 1949 में, जैसे रेलवे का निर्माण किया गया ना 1949 में अधिक मात्रा में, तो धन की आवश्यकता थी, सबसे पहले हमने रेलवे का विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, समझे, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था हमने, इतना लिया था आपको बता नहीं सकता, वो कर्जा आज तक चढ़ा आ रहा है वो कर्जा, इसे तो कहते हैं भारत के पास बहुत सारा कर्जा, बताया तो अभी 2020-21 का आंकड़ा 8,00,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज जाते हैं, उसका जो प्रिंसिपल है वो तो दिया नहीं गया 8,00,000 करोड़ रुपए, समझोगे ना बजट तो समझना स्टार्ट करोगे बेटे देश कैसे काम करता है, समझे। चलिए IMF, वर्ल्ड बैंक, तो बात IMF के बाद चौथा जो टॉपिक होगा, फोर्थ टॉपिक स्पेशल क्लास के अंदर फोर्थ टॉपिक होगा वो IMF का होगा, और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके साथ, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना आपको तो IMF बहुत ही डेप्थ तरीके से समझाऊंगा, है ना। IMF किसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, आज बात करना चाह रहे सिर्फ आपके पास सात वर्ल्ड बैंक पर, नॉलेज इतनी हर दिमाग कहीं से नहीं जा सकता, नॉलेज इतनी कि दिमाग कहीं से कहीं भी चला जाता, तो जो उससे रिलेटेड हो कि दिमाग जिस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है वो समझाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ना, और आपकी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ चीज़ें तो पकड़ रहे होंगी, है ना, नाम तो पता ही लग रहा होगा कि यार ऐसा ऐसा भी होता, हाँ ऐसा भी होता दोस्त, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो इसीलिए बनाया गया, तो वर्ल्ड बैंक आज हमने पढ़ना जरूरी है ना। IMF में बस एक कॉमन वर्ड, IMF भी लोन देता है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत दूसरे देशों के अंतर्गत, जो IMF है ना ये विकसित और विकासशील दोनों देशों को लोन देता है जो IMF है, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड बैंक होगा वो केवल गरीब देशों के लिए होगा, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। अच्छा ये पॉवर्टी क्या हो, पॉवर्टी का मतलब वो गरीबी को खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया की गरीबी को खत्म करने के लिए ले अपने यहाँ का उत्थान करो, जब आपके पास पैसा ग्रोथ हो जाएगी ना, प्रोडक्शन उत्पादन हो जाएगा, है ना, आप सेविंग करके हमारे यहाँ जमा कर देना, है ना। लेकिन इसे तो कहते हैं बेवकूफ़ बनाना, मैंने बताया मैं वर्ल्ड इकोनॉमी भी पूरी समझता हूँ, समझ गए, मेरा सिर्फ एक ही काम है पढ़ना पढ़ाना, पहले था घूमना वो भी नहीं है। जान पूछ के बेवकूफ़ बनाया गया आपको वर्ल्ड बैंक, है ना, बताऊंगा देखो वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं आज, वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो किन्स का नाम पता लगा आपको, हैरी का नाम पता लगा, और कौन और कुछ नहीं, काफ़ी मैं हेडिंग मना लो चुपचाप प्यार के साथ बेटे, ये हेडिंग मनाओ वर्ल्ड बैंक, WORLD वर्ल्ड, BNK बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व का बैंक, नाम इसे बिल्कुल छिपा, पूरी दुनिया का बैंक वर्ल्ड बैंक। अच्छा इस पर ना समय समय पर वर्ल्ड बैंक पर आरोप लगते रहे, इसीलिए इस केंद्र में रखते हुए, है ना, तो फिर जो क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है ना पूरी दुनिया का बैंक है, तो जितने भी एशिया के देश है ना इसे परेशान होगा, है ना, इससे परेशान होगा वर्ल्ड बैंक से, परेशान होगा पूरी दुनिया के देशों का बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसे परेशान होगा, इस पर आरोप लगते रहे, समय समय पर आरोप लगते, इसके अंदर घोटाला होता, समय समय पर आरोप लगते, आप गूगल पढ़ा लोगे तो पता भी लग जाएगा आपको क्या घोटाला होता, तो इस पर आरोप लगते इस केंद्र में रखे हुए एसोसिएशन बैंक यानी एशिया के एक बैंक की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत एशिया के देश आते हैं, है ना, एशिया के देश आते हैं और वे आपस में सारा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, इस तरह इसी केंद्र में रख इसे निगलैक्ट कर दिया गया इन्होंने, है ना, लेकिन चल रहा है वर्तमान समय में, बंद नहीं हुआ है ना, अच्छी अच्छी रिपोर्ट जारी करता है पूरी दुनिया के लिए, पुराना ना कभी। अच्छा तो वर्ल्ड बैंक पता कब बनाएगा बच्चों, वर्ल्ड बैंक प्रस्ताव तो कब आया, याद रखना जो प्रस्ताव आया वर्ल्ड बैंक का, जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव ब्रिटेन वुड समझौते के तहत आया, वो 1944 में आया, कब आया 1944 में आया, ये जो वर्ल्ड बैंक बनाने का जो प्रस्ताव था वो कब आया दोस्त, वो आया 1944 में। अच्छा सर आगे बताओ, चलो लेकिन स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना 28 जुलाई 1945 को, ये पूछा जा सकता है डेट, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। लेकिन आपको बताऊँ PCS के जो पर्सन होंगे उसमें डायरेक्ट फैक्चुअल एक लाइन में पर्सन पूछेगा वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, आपसे इतनी अपेक्षा करता हो, है ना, डायरेक्ट चार ऑप्शन देकर चला जाएगा 28 जुलाई 1945 को, है ना, प्रस्ताव कब रखा गया, इस तरह के फैक्चुअल पर्सन। UPSC ऐसा नहीं है, UPSC क्या करेगा, क्वेश्चन लिख देगा ऊपर विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को छांटिए, पहला नंबर, यह केवल मध्यम एवं सूक्ष्म लघु वर्ग को ही लोन दे सकता है, केवल देता नहीं, ये सही बात है, आपको कन्फ्यूज कर देगा पर्सन देगा, है ना, यू भी कह सकता जो वर्ल्ड बैंक होगा वर्ल्ड बैंक की वो मध्यम वर्ग तथा उच्चतम वर्ग दोनों को लोन देता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये केवल मध्यम वर्ग होगा, जो मध्यम मीडियम वर्ग होगा विकासशील देशों में उन्हें लोन देता सिर्फ, है ना, इसका एक वर्ल्ड बैंक का यही काम है क्या, गरीबी खत्म करना पूरी दुनिया में। अच्छा इसलिए इसका थीम भी बनाया गया 28 जुलाई 1945 को बनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक
की स्थापना हुई, उसके बाद कार्य करना कब स्टार्ट किया, सुन कार्य करना कब स्टार्ट किया, तो कार्य करना स्टार्ट किया 25 जून, 25 जून, बस सन याद रख लियो, 25 जून 1946 को कार्य करना स्टार्ट किया किसने, वर्ल्ड बैंक ने कार्य करना स्टार्ट किया। अच्छा सर आप ये तो बताया आपने प्रस्तावना कब, प्रस्ताव कब आया, स्थापना कब हुई, कार्य भी बता दिया आपने, सर ये भी बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये हेडक्वार्टर बड़ी भी, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, जब मैं हेडक्वार्टर कहूँ कहीं भी तो याद रखना उसे कहते हैं हिंदी में मुख्यालय, कुछ मैं इंग्लिश से बड़ी यूज़ कर सकता हूँ, एक आधा बड़ी इंग्लिश का समझ में आया तो आप गूगल कर लेना, आप तो इतनी अपेक्षा की जानी चाहिए अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी सीरियस हो कर रहे होंगे तो, है ना। वरना ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जाओ आप कुछ और काम करो, SSC वगैरह की तैयारी करो, चक्कर मना पड़ो, है ना। ये थोड़ा लेवल में एक दो लेवल ऊपर लेवल चला गया है ना, जैसा आपका लेवल होगा ना इसी हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा। अब आपको सोचना कि आपका आपको अपना लेवल कहाँ लेके जाना, हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, वाशिंगटन अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर, IMF का भी हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ, अमेरिका के अंदर अमेरिका के कौन से शहर है, वाशिंगटन DC। अच्छा वाशिंगटन DC, अच्छा DC क्या होता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, एक जिला, कोलंबिया का एक जिला, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अंडरस्टैंड, ओके। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य लिखो, चलिए आसान भाषा में लिख पाता हूँ, अपनी लैंग्वेज में कोड कर दो, पूरी दुनिया की गरीबी खत्म करना, ये आपकी लैंग्वेज के लिए आपको समझाने के लिए है ना, आपकी लैंग्वेज में डी कोड किया गया। अब मुख्य उद्देश्य लिखो, मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक क्या, दैट इज द पॉवर्टी लेस, चलिए क्या मुख्य उद्देश्य, गरीबी को खत्म करना, लिखो गरीबी को, पूरी दुनिया की गरीबी को खत्म करना, अच्छा या पूरी दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है ना, किसी भी लैंग्वेज में कह सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए है ना, लैंग्वेज मेरी कोई सी भी हो आपको समझ में आना चाहिए, मेरा एक ही मकसद क्या, केवल आपको समझाना। अच्छा चलिए अब मैं एक बात याद रखना, जो कुल देश पता है इसके अंदर कितने, कुल देश बताओ कितने, इसके कुल देश लिखो, कुल देश यानी कुल सदस्य कितने इसके, कुल सदस्य इसके 189 इसके सदस्य देश, कितने सदस्य इसके 189 मेंबर है इसके अंदर। अच्छा लेकिन आपको बताऊँ ना, वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 5 प्रकार की संस्थाएं दिखाई देगी, वर्ल्ड बैंक के अंदर, जी हाँ 5 प्रकार की संस्थाएं, जैसे लिखाऊँ ऐसा नोट करते चले जाओ, पर्सन नहीं बचने वाला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह पढ़ो समझे, जब तक उसका मेन ऑब्जेक्टिव उसके पीछे का मैंने बताया पृष्ठभूमि नहीं समझोगे ना तो कभी समझ नहीं आने वाला, मैं सीधा आता तो वर्ल्ड बैंक स्थापना ये सब बता कर चला जाता और धीरे धीरे आपको पूरा मजा आता है ना। लेकिन यूँ ही नहीं पता कारण बनाया क्यों गया, द्वितीय विश्व युद्ध कारण था। अच्छा माँ पेपर में उठा के यही पूछ लेगा, निम्नलिखित में से वर्ल्ड बैंक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था है ना, कि क्या कारण था कि वर्ल्ड बैंक बनाना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था, समझ गए, कुल देश पता लगे कितने 189। और बताओ सर वर्ल्ड, अब आपका फिर मैंने बनाओ वर्ल्ड बैंक की संस्था, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, कॉपी मैंने बनाओ विश्व बैंक की संस्थाएं, अब कॉपी मैंने बनाओ विश्व बैंक की संस्थाएं, नंबर एक इस तरह बना लेना, विश्व बैंक की संस्थाएं इस तरह बना लेना कॉपी में, विश्व बैंक की सब समझाऊंगा, पहले नोट करते चले जाओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगा जो आपकी समझ में नहीं आएगी, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच, 5 प्रकार की संस्थाएं आपको दिखाई देगी, इनका नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। इसके अंदर तो मैंने बताया वर्ल्ड बैंक अच्छा खासा टॉपिक आपको दिखाई देगा, वर्ल्ड बैंक इसके अंदर पहले वाले में लिखो IBRD, अभी बताऊंगा इंग्लिश में क्या नाम है IBRD, दूसरे वाला लिखो सब बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा इंग्लिश में बताऊंगा क्या नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल की स्पेलिंग लिख लोगे ना, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा क्या है। मैंने बताओ विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाओं में से पहली जो संस्था है IBRD, दूसरी संस्था का नाम IDA, अच्छा इस पहले फुल फॉर्म लिखो सब बच्चे कॉपी में, पहले लिख लो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन
डेवलपमेंट, क्या नाम है, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण जिसे बोलते हैं, पुनर्निर्माण विकास, है ना, हिंदी में बताऊंगा अभी, आप लिखो पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। अच्छा दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरी संस्था जो इसकी दिखाई देगी आपको, ये कब बनाई गई, यही बनाई गई थी 1944 में। अच्छा ये संस्थाएं वर्ल्ड बैंक की कब बनाई गई थी, 1944 में, ये वाली, ये कब बनी, ये बनी 1960 में। अच्छा सर आईडी का क्या मतलब है, सब बताऊंगा, खबर ना, पहले फुल फॉर्म लिख लो। आई आई का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जिस बच्चे पे इंग्लिश में नहीं लिखा जा रहा वो देवनागरी लिपि में लिख सकता है, इंटरनेशनल इस तरह लिख सकता है, हिंदी में लिख सकता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कब बनाया गया, ये 1960 में। तीसरी संस्था का नाम बताओ सर, तीसरी संस्था का, आइए तीसरी संस्था इसकी, इसे कहते हैं आई एफ सी। मेरे पास पूरा नोट है इसका, है ना, मैं सर्च करके एनालाइज करके लिखा हुआ है ना, वैसे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाने के बाद वीडियो देखोगे तो कोई नोट की आवश्यकता नहीं पड़ने की, वीडियो को 2 से 3 बार देखना, समझे। आई एफ सी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ये बनाया 1956 में। वेरी गुड शाबाश। तीसरे नंबर की जो संस्था दिखाई दे, चौथे नंबर की संस्था दिखाई देगी, इसे कहते हैं MIGA। अच्छा MIGA का मतलब इसे कहते हैं द मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी, द मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी, सबका नाम हिंदी में बताऊंगा, द मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी। चलिए अच्छा ये कब आई, ये आई आपकी 1988 में। ये वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं हैं, साफ साफ प्रश्न दे देगा, ये दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की संस्था नहीं है, चारों सुन देख चल जाएगा तो पहचान लेना, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है, समझे, आप देख के पहचान लोगे फिर आपको काम करने वाला, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए जो मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा वो कहीं नहीं मिलने वाला, चुपचाप समझते जाओ, है ना, दिमाग और दिल से निकली धारणाओं और धारणाएं कभी कभी ये विचारधारा कभी नहीं मिलती, समझे, आप चाहकर भी सब चीज़ मिला सकते हैं, कभी किसी भी विचारधारा नहीं मिला सकते, है ना। नंबर चार, उसके बाद नंबर पाँच लिखो आई सी एस आई डी। अच्छा आई का मतलब द इंटरनेशनल सेंटर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये बनाया 1966 में बनाया गया सर, दोबारा सुनो नाम, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। दोबारा सुनो नाम, द इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट, सेंटर सेटलमेंट, सेटलमेंट लिख लेना स्पेलिंग, सेटलमेंट गूगल भी कर सकते हो, सेटलमेंट, उसके बाद सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट 1966 बनाई गई। अच्छा सर इतनी सारी संस्थाएं पढ़नी पड़ेगी, जी नहीं, सबका अलग अलग काम होगा, विश्व बैंक की पांच संस्थाएं जरूर, विश्व बैंक की पांच संस्थाएं जरूर, लेकिन विश्व बैंक दो ही संस्थाओं मिलकर बनता, आइए दो संस्थाएं कौन सी इनके बारे में जान लेते हैं, पहले इनका हिंदी नाम लिख लेते हैं, है ना, पहले इनका हिंदी नाम लिख देते हैं क्योंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो ना, तो IBRD, क्या नाम बताया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसका नाम लिखो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, इस तरह पुनर्निर्माण, पहले वाली संस्था का नाम लिखो पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण पुनः निर्माण भी कह सकते हैं, पुनर्निर्माण और विकास के लिए, विकास के लिए, याद कर लेना सभी है, वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, पुनः निर्माण या पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं, और विकास के लिए, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय
इसे बोलते हैं IBRD, IBRD भारत ने ना जितने भी लोन लिए लगभग लगभग इसी संस्था से लिए, इसी बैंक की इसी संस्था का कर्जा चढ़ा हुआ हमारे ऊपर अब तक है ना, पता नहीं कितना चढ़ा हुआ बता भी नहीं सकता तुम, है ना, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा डॉलर और मिलियन का हिसाब नहीं समझ में आने का, समझाऊंगा फिर आसान भाषा में। IBRD ये एक रिजर्व बैंक की संस्था, और ये क्या करती है देखो नाम, देखो नाम क्या लिखा हुआ, इसका नाम है रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण के लिए। जैसा हम सड़क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस हाईवे तैयार करना, उसके पास उसके लिए भारत सरकार को ना पैसे की आवश्यकता, लेकिन भारत सरकार की इतनी कमाई नहीं होती GST तक है ना, GST तो एक टैक्स टैक्स इनकी कमाई का राजकोषीय नीति है ना, जो इनकी राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो इनकी कमाई होती है ना, कमाई होती है GST के द्वारा टैक्स के द्वारा, वो पर्याप्त नहीं है आज तक भी है ना, क्योंकि कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं और इनके पास पैसे की कमी रहती है, इसलिए क्या करते हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाते हैं और लोन लेते हैं, और लोन किस से लेते हैं, लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से। अच्छा वर्ल्ड बैंक से लोन लें, वर्ल्ड बैंक की कौन सी संस्था से लोन लेते हैं, IBRD जो 1944 में बनाई गई थी, समझ में आया, 1949 में जब रेल के आर्थिक सुधार कार्यक्रम स्टार्ट हुए ना, तो उसके अंदर अगर यहाँ से लगभग $7.6 बिलियन पैसा लिया गया था, $1 बिलियन में जब रेल सुधार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, है ना। चलिए 1944 की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं नंबर दो 1960 की IDA की। मैंने बताया याद रखना जितने भी व्यक्ति पॉलिटिकली आता, जितने भी हमारे देश होंगे, देश सदस्य देश IMF के सदस्य होंगे, तो याद रखना वो तुरंत विश्व बैंक का सदस्य होगा, इस बात का कभी नकारा नहीं जा सकता। दोनों एक जैसी संस्था, दोनों एक दूसरे की पूरक, अगर आप इसके साथ जो काम करेंगे ये उसके साथ होगा, समझे, दोनों संस्था एक दूसरे की पूरक आमने सामने है नहीं। अगर आप वर्ल्ड आप सब विश्व बैंक की सदस्यता छीन ली जाना, तो याद रखना जो हमारा IMF होगा उसकी भी सदस्यता आपसे छीन ली जाएगी। ओके बात करते हैं किसके, उन्हें निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, काम सुनो इस संस्था का, काम सुनो विश्व बैंक की जो पहली संस्था IBRD चार बार बोलना IBRD इस तरह, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इस संस्था का इसी काम है क्या, विकासशील देशों की मदद करना, जो विकासशील देश होंगे ना उनकी मदद करना, विकसित देशों की मदद नहीं करना, विकासशील देशों की मदद करना। सीधा प्रश्न पूछ सकता है विश्व बैंक के संदर्भ में, विश्व बैंक की संस्था IBRD हिंदी में लिख देगा IBRD, आप कन्फ्यूज हो जाओगे IBRD से कहते हैं, विश्व बैंक की संस्था IBRD के कथन में निम्नलिखित IBRD के कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे लिख देगा। नंबर एक, IBRD के तहत केवल IBRD के तहत केवल विकसित देशों को ही लोन दिए जाते हैं, स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट केवल विकासशील देशों की सहायता के लिए ही बनाया गया है। मैंने आपको बताया विश्व बैंक पूरा का पूरा जो विश्व बैंक आपको दिखाई देगा वो केवल विकासशील देशों के लिए ही बनाया गया है, समझे, लेकिन जो IMF होगा वो विकासशील और विकसित दोनों को सहायता प्रदान करता है ना। और ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं फिर ये इंटरेस्ट भी पे करते हैं, इनकी इनकम यहीं से होती है, ये इंटरेस्ट भी तो लेते हैं, ब्याज भी तो लेते हैं, लोन का मतलब यूनी है वो अनुदान होगा, जो $76 बिलियन का जो पैकेज दिया ना वर्ल्ड बैंक ने, वो अनुदान होते हैं, अनुदान मतलब दान कर दिया है ना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होने का वर्ल्ड बैंक ने तो भारत को इस बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, समझे। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या किस समझ में आया हुआ है, काम समझ में आया इसका, चलिए इतना ही पढ़ना। IDA के बारे में और क्या जानते हैं, IDA के बारे में इसे बोलते हैं, IDA का पहले हिंदी में नाम सुनो इंटरनेशनल, पहले इंग्लिश में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसे कहते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट का मतलब विकास, एसोसिएशन का मतलब वो संघ है ना, यूनियन भी कहते हैं इसे पहले यूनियन, लेकिन एक नया नाम है, लेटेस्ट जो नाम है इसको क्या कहते हैं, लेटेस्ट पुराना नाम एसोसिएशन यहाँ सब दिख रहा है, उसका नाम मतलब वो संघ है। कब बनाई गई संस्था, 1960 में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इन दो संस्थाओं को मिलाकर केवल IBRD और IDA इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है, विश्व बैंक नहीं पूछा हुआ पर्सन जो मैं आपको बता रहा हूँ है ना, लेकिन ये निर्भर करता कि कौन सा प्रकृति, आपने कितना टॉपिक को गहराई से पढ़ा हुआ, एक बार पहले समझो तो। अच्छा IDA का हिंदी में नाम क्या था, इसे कहते हैं अभी नाम बताया तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया यानी वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर है नहीं, वैश्विक स्तर पर विकास यानी विकास करना, किसका संघ का, संघ मतलब राज्य जिसे कहते हैं, क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र का विकास करना है ना, ये पता क्या करते हैं,
एक राज्य को भी लोन दे सकते हैं, यानी जैसा उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड को अगर कुछ बनाना होगा, बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, तो ये उत्तराखंड ना वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता, क्योंकि संघ एक प्रकार का, भारत राज्यों का संघ नहीं है, तो ये संघ भी लोन ले सकता, ओनली उत्तराखंड भी, उत्तराखंड भी लोन ले सकता किसका, वर्ल्ड बैंक का। चलिए बात समझ में आया हूँ। IFC केवल नाम याद रखना, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, वित्तीय मतलब धन बांटना, इसका काम याद रखना, कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए, है नहीं, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, मैं सोचा कम ही बनाऊँ उस वीडियो में, कुछ काम भी नहीं है इसका। और MIGA के पास चलते हैं, MIGA इसे कहते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या वो गारंटी देती है, इन्वेस्टमेंट की गारंटी देती है, एक ऐसी एजेंसी होती है, हिंदी में नाम लिखो उसका, हिंदी में नाम लिख लो बस, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। मल्टी का मतलब बहुपक्षीय हो, मल्टी जहाँ भी नाम आ जाएगा ना, मल्टी का मतलब वो दुगुना करना, चार गुना करना, मल्टी का मतलब वो ज़्यादा, इसे कहते हैं बहुपक्षीय, बहुपक्षीय नाम लिखो, बहुपक्षीय निवेश, इसका नाम लिखना बहुपक्षीय निवेश, बहुपक्षीय निवेश, पक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका नाम बहुपक्षीय, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। उसके बाद आ जाओ पाँचवें नंबर की संस्था, ICSID, इसका नाम लिखो, निवेश और विवादों के निपटारे के लिए, निवेश और विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नाम ही सब कुछ छिपा हुआ, अगर नाम को ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब नाम निकल आ जाएगा, एक बार पहले ध्यान तो पढ़ो और शब्दों को सोचो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है निवेश, निवेश और विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अगर कहीं निवेश हुआ, देखो क्या हुआ, 2000 आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी थी उसकी कंपनी थी, अपना नाम सुना हच, फिर आई वोडोफोन ब्रिटेन की कंपनी, हच सिंगापुर की कंपनी थी, हाँ, तो क्या हुआ, हच और हाँ वोडोफोन, इनका एक समझौता हुआ, बाहर हुआ समझौता, समझौता पता कहाँ हुआ, सिंगापुर के अंदर हुआ, और 9000 करोड़ रुपए का टैक्स था भारत सरकार का, कोर्ट में केस चलता रहा, और धीरे इस तरह मामला, भारत सरकार ने कहा कि एक काम करो, तुम हमें 9000 करोड़ रुपए दिए, क्यों तुमने हमारे यहाँ आकर कंपनी लगाई और आपस में समझौता कर लिया, और हमें पता भी नहीं चला, बाहर की कंपनी यहाँ आती है, भारत सरकार तो कुछ पूछती नहीं है ना, और समझौता करती है, सिंगापुर में जाकर बाहर समझौता करती है कि हच का और वोडाफोन का आपस में मर्ज कर दिया गया, उसका विलय कर दिया गया, इसमें विलय कर दिया गया, तो इसमें ना भारत सरकार को 9000 करोड़ रुपया घाटा हुआ, क्योंकि कोई कंपनी जब बाहर से आ गई ना, यहाँ आकर हमारे यहाँ इस देश में आकर जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, है ना, जब भी अपनी अवसंरचना तैयार करेगी, तो क्या होगा, भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार, क्योंकि वो समझौता बाहर हुआ, इस तरह के जो मामले होंगे ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, यानी निवेश से संबंधित जो मामले होंगे, उन्हें निपटाने के लिए ऐसी संस्था बनाएंगी, और वो जो मामले के बाद बता रहा हूँ ना, आज तक वो मामला कोर्ट में पड़ा रहा, 2006 का मामला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारी मामलों को नहीं दे सकते, ये हमारी रणनीति से बाहर, तो तब जाकर सर भारत सरकार ने अपनी FDI के अंतर्गत बदलाव किया, और आओ कि अब उन्होंने कहा कि अब आओ तुम निवेश करने के लिए, उन पर टैक्स लगा दिया, अब कोई भी कंपनी आएगी तो पहले भारत सरकार के उस कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, है नहीं, और उसका लिखा जोखा होगा, तो उसका संबंधित फिर सरकार ने कानून बनाया, इस तरह चलती है पूरी दुनिया बैठते। ये काम है इसका, चलिए इतनी ही बातें याद रखनी, दो संस्थाएं बताई इसकी, वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी, IBRD और कौन सी, IDA, ये दोनों संस्थाएं ऐसी होगी, इन्हें मिलाकर पूरा वर्ल्ड बैंक बनता दिखाई देगा आपको, है ना, वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं। ये 1944-1960 की संस्था थी, 1960 में ना दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन्हें कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर पूरा विश्व बैंक बोलते हैं, यही वो विश्व बैंक है जो पूरी दुनिया को ऋण देता है, नहीं उधारिया देता है ना, डेप्ट देता जिसे बोलते हैं, पूरी दुनिया को पैसा बांटता अलग अलग लोन पर, है ना, अलग अलग इंटरेस्ट पर, अलग अलग ब्याज पर पैसा बांटता, यही दो संस्थाएं हैं, भारत इससे बहुत पैसा लिया हुआ, इससे बहुत पैसा लिया, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कितना पैसा लिया हुआ है ना, कि ये था हमारा। अच्छा चलो सर और कुछ बताओ, और भी कुछ बताता हूँ, इतनी बातें वर्ल्ड बैंक के संबंधित है, वर्ल्ड बैंक के संबंधित जितनी बातें बताऊंगा इतनी कहीं नहीं मिलने वाली, और क्या बता सकता हूँ मैं, और मैं समझाने वाला हूँ आज आपको कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता,
ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करी, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे लिहाज से, है ना। रिपोर्ट और इंडेक्स किसे कहते हैं, ये रिपोर्ट जो जारी करते हैं ना आए प्रत्येक वर्ष, कोई प्रत्येक वर्ष कोई दो वर्ष के अंतर्गत, है नी। वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी पांच प्रकार की रिपोर्ट जारी करता, आप काफ़ी में नोट कर लेना, है ना। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह नहीं दिखाई देगा, मैं सब देखा हुआ सब पढ़ा हुआ, है नी। गूगल भी आपको इतनी जानकारी नहीं देगा, है नी। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है सर्च करके देख लेना, कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा वीडियो सफिशेंट होगा, उस अच्छे से कर लेना, उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए काफ़ी मैंने वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट अभी सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा आज आपको, किस तरह रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, कुछ का नाम इंडेक्स। अच्छा, रिपोर्ट और इंडेक्स में क्या फ़र्क है ये भी बताऊंगा मैं आपको, जब इकोनॉमिक्स समझाऊंगा ना तो बेटे सब समझाऊंगा। इंडेक्स कैसे कहते हैं, रिपोर्ट कैसे कहते हैं, एक प्रकार की रिपोर्ट ही समझ लो, है ना। जैसे कोई कागजात लेकर आया हो, ये बताता हूँ ये एक सालों के अंतर्गत हुआ, इस देश में इतना इतना सुधार हुआ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस क्षेत्र में इतना सुधार हुआ, इस क्षेत्र में इतना सुधार आया, इतना इतना सुधार आया, शिक्षा एजुकेशन में इतना चल रहा है, ये क्षेत्र में इतना चल रहा है, ये समय इतना चल रहा है, यहाँ इतनी गरीबी, यहाँ इतनी भूखमरी, ये काम होगा इसका, है ना। आइए जानते हैं रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट के पहले नाम लिख लो, एक रिपोर्ट में चर्चा करने वाले कौन कौन सी रिपोर्ट होगी, है ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। नंबर एक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे कहते हैं विश्व विकासशील रिपोर्ट। वर्ल्ड इस तरह लिखना, बस वर्ल्ड डेवलपमेंट, पांच रिपोर्ट के नाम दिखाऊंगा, पांच रिपोर्ट के बारे में अभी विश्लेषण करेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अब इसके बारे में चर्चा करने वाले कि 2019 की आई थी नहीं आई थी, कब आई थी, 2019 की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, 2020 की आई या नहीं आई, 2020 की होगी तो चर्चा करेंगे अभी मेरे साथ आप। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नंबर दो, जो रिपोर्ट दूसरी जारी करता है, इसे कहते हैं ईज ऑफ। अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की पूरी इसे समझ लो पहले, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर जनवरी महीने में आ जाती है, हाँ जनवरी महीने में ये रिपोर्ट, जनवरी में या जुलाई अगस्त में रिपोर्ट आ जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये काम पता किसका, ये काम विश्व बैंक का। विश्व बैंक इस तरह की रिपोर्ट जारी करता है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए और इस तरह की रिपोर्ट भारत सीख लेगा अपनी अपने अपने लोक कल्याणकारी अवधारणा की, जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी उस चरम को पहुंचाया जा सकता। इस तरह ये रिपोर्ट हमारे लिए इस तरह काम होती है। इस अगर आप इन रिपोर्ट के अंतर्गत अगर भारत का लेवल का जो पायदान है वो धीरे धीरे वो इंप्रूव होता दिखाई दे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सरकार अच्छी और सरकार अच्छा काम कर रही है, है ना। अगर इनका अंदर जो लेवल होगा वो अच्छा दिखाई देगा, इसलिए रिपोर्ट होगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है। आइए जानते हैं प्रत्येक रिपोर्ट के बारे में। पहले रिपोर्ट का नाम लिखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट कौन सी, मैंने बताया भटकने की जरूरत नहीं है, यूँ नहीं है एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ा और चलो करंट अफेयर हो गया, है ना। फिर मैंने बताया ना आपका ज्ञान संकुचित हो जाएगा, है नी। ज्ञान विस्तार पूर्वक कब भूल कहा, जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ मैं ही पढ़ाऊंगा, मैंने कहा जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं ही कहूँगा तो घमंड, मैं ही पढ़ाऊंगा तो घमंड होगा, यानी इसे कहते हैं अलग लैंग्वेज में ईगो, दैट इज ईगो। मैं ही नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊंगा तो ज्ञान विस्तार पूर्वक आगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, ये अलग दोनों को मन पढ़ अलग बढ़। चलिए और कौन सा, नंबर दो ईज ऑफ लिविंग, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। वाओ, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बहुत अच्छा स्कोप रहा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अच्छा, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का ये मतलब हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहते हैं इसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी विश्व व्यापार सुगमता रिपोर्ट या इंडेक्स से सूचकांक जिसे बोलते हैं, है ना। सब बताऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आजकल इंग्लिश के बड़े ज़्यादा यूज़ करने चाहिए तो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, समझे। अच्छा, रिपोर्ट देखनी आज बहुत ज़रूरी है आपको, पूरा देखना वीडियो। नंबर तीन है ईज ऑफ लिविंग की, रहना, बिजनेस करना कितना आसान है। ऊपर दूसरे नंबर की रिपोर्ट, बिजनेस करना किस देश में कितना आसान है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। कहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा, बिजनेस करना कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा हाई फाई है, कहाँ के मैनेजर ऐसे जो सबसे ज़्यादा गुड अच्छे हैं, है। नंबर तीन पर चलते हैं, ये ईज ऑफ लिविंग, रहना कहाँ कितना आसान है, ईज ऑफ लिविंग, इसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। ईज ऑफ लिविंग
ईज ऑफ लिविंग, यानी कहाँ कहाँ लोग शांति सुकून के साथ रह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इस तरह की रिपोर्ट भी जारी करता है, बताऊंगा अभी, रिपोर्ट खोल कर भी दिखाऊंगा आपको। नहीं लैपटॉप में होता ना तो अच्छा रहता भी, है ना, स्क्रीन होती तो फटाफट अच्छा चमकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मोबाइल फ़ोन में समझाने की आपको। नंबर चार आइए बात करते हैं। नंबर चार होगी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बताऊंगा, देखो भारत की स्थिति कैसी है। सुनूंगा पांचवें नंबर पर वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप प्रत्येक वर्ष जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट देखना, वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करी। ये पांच प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक, इनके नाम जानने जरूरी है ना। देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, सीधा पर्सन हो यूपीएससी में सीधा ही पर्सन पूछ लो, है ना, बच्चे कन्फ्यूज है ना, क्यों, क्योंकि डेस्क में नहीं पढ़ते ना जाकर, है ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा। उसके बाद होगा क्या इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर भी बताने वाले, खबर मैं दिखाने वाला मोबाइल वो खोल के पूरा। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी इसके द्वारा जाए। अच्छा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट समझ गए, नाम तो निकाल ले करो, वर्ल्ड डेवलपमेंट कि वर्ल्ड में डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता, विश्व बैंक। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग इसका मतलब हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखना सब बच्चे ये जारी की जाती है किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। अच्छा बिजनेस करना कितना आसान है, आसान भाषा में किस देश में कितना आसान है बिजनेस करना, इसकी रिपोर्ट जारी। इज ऑफ लिविंग किस देश में रहना कितना आसान है, भारत में तो रहना आसान नहीं है, है ना, लाने के लल्ले पड़े हुए हैं, आपको पता होगा चर्चा नहीं करना देता CAA, है ना, बताऊंगा जब चर्चा करूंगा पॉलिटिकल के अंदर पूरा का पूरा, ठीक। अब धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे ना मेरे साथ तो अपने देश को समझना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप सही और गलत समझना स्टार्ट कर दोगे, आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि मीडिया किस तरह अलग अलग खेमे में बटा हुआ, कि मीडिया किस तरह डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है, किस तरह आप समझ जाओगे धीरे धीरे जब मेरे साथ पढ़ोगे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इस कहते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी कह सकते हैं। वैश्विक क्या है, नाम देखो नाम क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये पांच रिपोर्ट है। आइए कुछ रिपोर्ट के बारे में चर्चा ही करता हूँ आपके साथ, है ना, देखिए भारत का हालत क्या है। ये रहे हमारे गूगल बाबा, इनके पास चलते हैं गूगल बाबा के, गूगल बाबा रहे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो दिखाई नहीं दे रहा, अब सही, चलिए हाँ, तो 2018 की रिपोर्ट थी, 2019 की रिपोर्ट देखते हैं, 2019 की रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट 2019 की रिपोर्ट देखते, देखते कुछ हमारे जानने लायक मिला था तुम्हें।
जी नहीं, यहाँ भी नहीं हमारे लायक, यहाँ भी नहीं। कहाँ गया ये दिखाता आपको। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अच्छा वर्ल्ड बैंक देखो एक मिनट पहले। SDG गोल, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। SDG गोल, देखो ये ना जो विश्व बैंक दिखाई देगा आपको, इस विश्व बैंक का एक ही काम होगा, पता क्या, पुअर्टी ख़त्म करना है ना। और हमारे पुअर्टी ख़त्म करना ना सस्टेबल डेवलपमेंट हो दिखाई देगा आपको, इसे बोलते हैं SDG यानी सस्टेबल डेवलपमेंट गोल, इसे बोलते हैं सस्टेबल डेवलपमेंट गोल। इसके 17 लक्ष्यों के अंदर द सस्टेबल डेवलपमेंट गोल आर नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, नो पॉवर्टी लिखा हुआ। नो पॉवर्टी का मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर 2030 तक, देखो 2030 तक इसका लक्ष्य है। 2015 में एक सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि इसमें लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्य थे 2030 तक ये सब खत्म करना, नो पॉवर्टी है नी जीरो हंगर है ना। तो देखो हम ये नो पॉवर्टी दिखाई दे रहा है आपको, नो पॉवर्टी का मतलब कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए पूरी दुनिया में, सब तक गरीबी खत्म करना। कब तक करना, 2030 तक। कब हुआ था ये सम्मेलन यूनाइटेड नेशन का, 2015 में हुआ था। उसके बाद सस्टेबल डेवलपमेंट गोल यानी विश्व बैंक का एक ही काम है, सस्टेबल डेवलपमेंट करना, सतत विकास करना। क्या करना, सतत विकास करना, ये काम है इसका। और दिखाता हूँ मैं आज आपको, कुछ दिखाता हूँ, खुल जा सिम। कुछ अच्छा सा नहीं मिल रहा यार साइड, एक मिनट रुको। एक संस्था दिखाता हूँ आपको, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट। हाँ, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू PIB द डूइंग बिजनेस देखो, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट देखो आज आप। देखो भारत की रैंकिंग में ज़बरदस्त उछाल, 63वें नंबर पर पहुंचा, यानी भारत के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। मैंने बताया था ना 63वें नंबर पर, पिछले साल 77वें नंबर पर था, इस बार देखो 77वें स्थान पर था। कहाँ आया, 77वें स्थान पर चला आया, कौन से नंबर पर, 63वें स्थान पर चला आया। यानी भारत के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि सरकार ने ना अलग अलग क्षेत्र में, पूरे फुल क्षेत्र में FDI लिया है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट करना भारत के अंदर बहुत आसान हुआ, बिजनेस करना बहुत आसान हुआ इस सरकार का, ये आप एक प्रॉफिट कह सकते हैं। और बताऊँ, एक ही प्रॉफिट दिखाई देगा बस। अब इसका सही इंडेक्स नहीं खुल पा रहा यार, देखो 14 पायदानों की सुधार के साथ भारत 63वें स्थान पर, 14 पायदानों के सुधार के साथ भारत 63वें स्थान पर। वर्ल्ड बैंक जारी करता है कारोबारी सुगमता की है रैंकिंग। कारोबारी सुगमता मतलब वर्ल्ड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसका। ये बहुत सीधा प्रश्न आगा कि कौन जारी करता है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा नॉलेज देना चाह रहा हूँ, इसमें कोई सुख नहीं रहा है। ये रहा खुला, देखो देखते हैं इसके अंदर कुछ मिलता तो डाटा।
ये रहा देखो इच्छा डायग्राम, ये देखा देखो दिखा दे रहा होगा। इधर देखो सबसे ज़्यादा आसान करता कहाँ काम है, बिजनेस करना सबसे आसान कहाँ, सबसे आसान देखो न्यूजीलैंड के अंदर बिजनेस करना सबसे ज़्यादा आसान है। सो बहुत आसान है बिजनेस करना कहाँ, न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर। बिजनेस करना इतना आसान है, वहाँ 1% टैक्स नहीं है। आप जाओ कंपनी लगाओ, कोई 0% टैक्स है। हर क्षेत्र के अंदर आप 100% FDI लेके जा सकते हो, इतना आसान है न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा हाँ तो याद रखना, लेकिन न्यूजीलैंड 2006 में पहले स्थान पर था और 2007 में दूसरे स्थान पर। देखो इन्हें अपनी न्यूजीलैंड ने अपनी रैंकिंग कितनी अच्छी बनाई हुई, बिजनेस करने के मामले में न्यूजीलैंड ने अपनी जो रैंकिंग कितनी अच्छी बनाई हुई। दूसरे नंबर पर आपने सुना होगा, दूसरे नंबर पर जो कभी पहले नंबर पर सिंगापुर, कभी दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आप ऐसे कहते देखो सिंगापुर दिखाई देगा आपको। 2020 में ये दूसरे नंबर पर था, 2019 में दूसरे नंबर पर था, 2020 में दूसरे नंबर पर था। हांगकांग के अंदर भी बिजनेस करना देखो कितना आसान है, हांगकांग के अंदर बिजनेस करना तीसरे नंबर पर इस इंडेक्स में। कौन सा है? इंडेक्स है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, खुद देख लेना है ना, सर्च करोगे देखो कितना आसान है ना। एक भारत की स्थिति, भारत की स्थिति देखो, हांगकांग डेनमार्क में कितना आसान है बिजनेस करना, कौन से स्थान पर दिखाई दे रहा है आपको, चौथे स्थान। सारे नहीं याद करने, मैं आपको समझा रहा हूँ है ना, देखो चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है, बहुत आसान है, कितना बिजनेस करना कितना आसान है। कहाँ? 2020 में रिपोर्ट आई, चौथे नंबर पर आया, और चौथे उसके बाद कितने नंबर पर था, ये था आठवें नंबर पर, आठवें नंबर था 2006 में कभी हुआ करता था। बात करते थे भारत की, भारत 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 भारत, इंडिया इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की, इंडिया का स्थान कहाँ से था, 63वें स्थान पर था ना इंडिया, 63वें स्थान पर। हम ले चलते हैं आपको 63वें स्थान पर, चलिए ये रहा देखो आपका इंडिया 63वें स्थान पर, ये दिख रहा होगा आपको 63वें स्थान पर है ना, 63वें स्थान पर। पिछले साल कौन से स्थान पर था, 77वें स्थान पर, उससे पहले कौन से स्थान पर, 100वें पर, उससे पहले कौन से पर था, 130वें पर, 121वें पर। अब देखो हम पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे हम, 106 116 पर थे है ना, 116 पर, धीरे धीरे, और पता कब थे 116 पर, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, कब थे 116वें स्थान पर, 2006 में 116वें स्थान पर है ना, 2006 में 116वें स्थान पर बिजनेस करना। लेकिन 116 उस टाइम पर बहुत, देख लो 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस टाइम पर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आ जाओ कौन सा नंबर था, 63वां नंबर, 63 पर आए, 14 पायदान खिसक का आए, पिछले साल 77वें पर थे है ना। अब देखो जब तक तो मोदी सरकार आई ना, इन्हें एक ही काम किया, क्या काम किया देखो, 142 कब से आंकड़ा लगाओगे देखो, 130 130 100 77 63, यानी इन्हें बिजनेस करना बहुत आसान कर दिया। कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आना चाहे ना तो आ सकता है, ठीक है, मुबारक हो, बधाई हो आपको है ना, कोई भी बाहर का व्यक्ति आ सकता तो आ सकता है इन्वेस्टमेंट, और सही भी है ना, सही भी है, ग्लोबलाइजेशन का दौर और सही भी है ना। लेकिन कुछ इस तरह सरकार इसकी आलोचना करते हैं, अलग अलग स्तर पर आलोचना होती है कि बिजनेस करना इतना आसान कर दिया, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा और बाहर वालों को रोज़गार दे रहे, सरकार इसकी या यहाँ के लोग इसकी आलोचना करते हैं कितना आसान है बिजनेस करना, 130 130 है ना, सबसे ज़्यादा आसान कहाँ सी, सबसे ज़्यादा आसान है कहाँ, न्यूजीलैंड के अंदर। और देखो और रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ईज ऑफ लिविंग देखो, इसे देखो ध्यान लगा, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट को, ईज ऑफ लिविंग में इसे क्या करता है पता, क्या करता है ईज ऑफ लिविंग का जो रिपोर्ट होगी ना, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और इसमें ना 114 शहर का सर्वे किया गया, और सर्वे किया गया पता क्या हुआ, उदयपुर इसमें आया, हमारा शहर रहने में कितना बेहतर है, शहरी विकास मंत्रालय देश भर के सिटी 114 शहरों में जीवन में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा ये तो भारत का, मैं आपको दिखाता हूँ ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट,
प्रॉब्लम नहीं हो रही यार यहाँ, अगर एलईडी होती ना तो दिखता, लैपटॉप में बहुत आसान होना खोलना। चलो खैर सर्च करना है ना, सर्च करके आप बताना कि वर्ल्ड जो वर्ल्ड बैंक हाँ तो जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपको काम है ये बताना कि भारत का कौन सा स्थान है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के तहत 20 का अगर आया होगा तो सही है ना। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, देखना सिखा दिया आपको कि किस तरह देखना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 और 20 का आंकड़ा आपको मुझे देना, 20 का आया हो तो सही, नहीं आया तो जय माता दी है नी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का आंकड़ा मुझे देना, आप बताओगे कमेंट में है नी, मुझे नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होगी 2019 में इसका आंकड़ा क्या रहा है ना, कि कौन पहले स्थान पर, भारत की स्थिति क्या, कौन पहले स्थान पर और भारत की स्थिति क्या इस डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, 63वें स्थान पर था भारत, पहले 77वें स्थान पर था, 14 पायदान की 6 लाख लगाई, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, लोग भारत आ रहे बिजनेस करने के लिए भारत के अंदर है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत को ना इंटरनेशनल मार्केट समझा जाता है ना, खुले द्वार की नीति अपनाई थी हमने, ओपन 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 डोर पॉलिसी बोलते हैं, खुले द्वार की नीति बनाई थी हमने 1991 में, जब से गेट खोले ना FDI के तब से इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया भारत के अंदर, ठीक है, और जब ये सरकार रही तब तो ज़्यादा हुआ है ना, क्योंकि ऐसा माना जाए पूंजीपतियों की सरकार बोलते हैं इसे। ईज ऑफ लिविंग बताऊँ तो यहाँ ना एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ के जो मुद्दे ना वो बहुत बड़े बड़े है नी, उत्पादन और आय ये तो कभी मुद्दा रहा ही नहीं भारत का, इनके मुद्दे क्या, राम मंदिर है ना, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, CAA लाना, ये मुद्दे रहे, डेवलपमेंट तो कभी मुद्दा रहा ही नहीं किसी चीज़ का, विकास तो रास्ते में मर गया है नी, 2014 के बाद ना विकास तो रास्ते में मर गया था, पिछली सरकारों को ले लो उन्होंने भी अच्छा काम नहीं करा, कोई कोई सरकार की अच्छा अच्छा काम कर गई, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे है ना, उन्होंने भारत का सारा कर्जा उतार दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय कर्जा जीरो हो गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF का जीरो पैसा था हमारे पास, अंदाजा लगा सकते हो है ना, और आज का कर्जा पता कितना 8 लाख करोड़ रुपये है ना, GDP का ना, GDP 28 लाख करोड़ रुपये का GDP हमारे यहाँ का, 28 लाख करोड़ रुपये का बजट, 28 लाख करोड़ रुपये का बजट मतलब 8 लाख करोड़ रुपए का ब्याज जाओ, कर्जा इतना ले रखा। ईज ऑफ लिविंग ग्लोबल इकोनॉमिक फॉरेस्ट्री वो परस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसके बारे में आकर जानकारी आप मुझे देंगे है ना, इनके बारे में जानकारी आप इकट्ठा करो, गूगल सर्च करो मिल जाएगी, लेकिन ये पता होना जरूरी है बस, इसमें रिपोर्ट में कौन जारी करता, कौन कौन से फायदे स्थान पर रिपोर्ट कौन जारी करता, वर्ल्ड बैंक 5 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता, इसके 2019 का अलग अलग साल अलग अलग आंकड़े आते हैं है ना, अब आप जब भी पढ़ोगे तभी समझवाना स्टार्ट हो जाएगा है ना, आपको दिखाने में ऐसा पल रहा क्यों, क्योंकि नेट भी चलो चल रहा और सही पेज नहीं ओपन हो पा रहा है ना, सही पेज ओपन हो पा रहा, लैपटॉप में अच्छा पेज ओपन होता, बड़ा पेज ओपन होता, उसमें दिखाने में भी ऐसा नहीं होती है, इसलिए इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, नहीं तो आपको बहुत अच्छा दिखाता है, मैं आपको खोल के दिखाता सारा का सारा ओपन करता है, ओके। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही, अब हम मुलाकात होगी अगले टॉपिक अध्याय में, जो हमारी क्लासेस चल रही है लगातार उन पर मुलाकात होने वाली, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।